गुरुवार को देश भर में मुस्लिम बंधुओं ने ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया। इस कड़ी में यवतमाल जिले के दिग्रस शहर के मुस्लिम बंधुओं ने भी उत्साह के साथ ईद के पावन पर्व का स्वागत किया। बारिश की संभावना और मौसम में बदलाव के चलते इस साल दिग्रस शहर में ईदगाह की बजाय शहर के विभिन्न मस्जिदों में ईद की खास नमाज अदा की गयी थी। इस दौरान मस्जिदों में बड़ी संख्या में शहर के मुस्लिम नागरिक नमाज अदा करने पहुँचे थे। सामूहिक नमाज के बाद शहर काजी ने तकरीर की, जिसमे ईद उल अजहा का पावन पर्व और कुर्बानी का असल उद्देश्य प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद दुआ में शामिल होकर मुस्लिम बंधुओं ने अपने शहर में भाईचारा, शांति और देश में अमन चैन की दुआ की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर शहर की जामा मस्जिद परिसर में उपस्थित पुलिस महकमे ने भी मुस्लिम बंधुओं को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जामा मस्जिद के समक्ष पत्रकारों से बातचीत में शहर काजी अबू जफर ने और दिग्रस पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक धर्मराज सोनू ने इन्होंने ईद की मुबारकबाद पेश की। जामा मस्जिद में बहुत ही शांति के साथ ईद मनाई गई, ईद उल अजहा की, और यहाँ पे कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। तमाम ने ईद की नमाज पढ़ी। मैं यहाँ पर हमारे थानेदार साहब और पुलिस स्टेशन का खास करके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा काफ़ी हेल्प किया है। अब यहाँ पर मैं दुआ करता हूँ हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए, और ये गांव में और तमाम हिंदुस्तान में, दिग्रस में और तमाम हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे, इत्तेफाक और मोहब्बत बनी रहे, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। ये दो लफ्ज कहते हैं पुलिस प्रशासनाच्या वतीने मी आषाढी एकादशी निमित्त आणि बकरी ईदच्या अनुषंगाने सर्व मुस्लिम बांधवांना, हिंदू बांधवांना मी शुभेच्छा देतो। शहरामध्ये शांती आणि कायदा सुव्यवस्था त्यांनी बाधित ठेवावा, हीच मी या वेळी अपेक्षा करतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देऊन माझे दोन शब्द संपवतो। कुल मिलाकर ईद उल अजहा के पावन पर्व पर मौसम में ठंडक घुली हुई थी। ऐसे में ईद की खुशी में शामिल लोगों का उत्साह भी मौसम की तरह खुशनुमा नजर आया। इन बीसीएन परिवार अपने तमाम दर्शकों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता है। इन बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।